शर्मा टेक सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, विशेष कर एनएस तत्व के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास से पढ़ते हैं और जिनके विषय है सोशल साइंस। और आज इस वीडियो में चैप्टर 14 से मैं आपके लिए कुछ जरूरी क्वेश्चन से लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन क्वेश्चन की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि एग्जाम में कई बार इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला सवाल, संसाधन से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ देखा जाए, आपका सवाल कैसे भी आ सकता है। इस बात को आपको जरूर ध्यान देना है कि जो भी सवाल मैं आपको कराता हूँ, जितने भी मैंने आपको जितने अब तक शुरू से लेकर अब तक जितने भी अभी आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं, वो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिट्टो सेम नहीं आने वाले। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो गलत बदल कर आएंगे, वो डिट्टो कभी नहीं आ सकते। बाई चांस वाली बात है कभी डिट्टो सेम आ जाए, लेकिन यहाँ देखा जाए बिल्कुल भी A to Z हमारा जो सवाल जैसा हमने पढ़ा है वैसे सवाल पेपर में ऐसा नहीं होता है। तो वो सवाल क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, उस सवाल को घुमा फिरा देते हैं, लेकिन आंसर वही है जो आपने याद किया हुआ है, आंसर वही है जो आपको लिखना है। मतलब क्या है, आपको देखा है सवाल को समझना जरूरी है कि सवाल में पूछा क्या गया है। तो सवाल में पूछा क्या गया है आपको बस समझना है और उसके हिसाब से आपको आंसर अपना करना है। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं संसाधन है क्या। यह वह है जिसे इस्तेमाल और पुनः इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कमरे में चारों ओर देखो, हम विभिन्न वस्तुएं जैसे यहाँ पर लकड़ी के सामान, किताबें, कॉपियाँ, कलम या अन्य हम उन्हें अपने आसपास संसाधनों के रूप में प्रचार करते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं, पुनः उपयोग करते हैं। अगर इसको मैं देखा जाए आसान से भाषा में समझाना चाहूँ कि संसाधन हमारा है क्या। संसाधन हमारा देखा जाए क्या बनता है, संसाधन हमारा कोई वो कोई भी चीज़ होती है जो हमारे आसपास में है, हमसे जुड़ी भी है और हमारी जरूरतों को पूरा करती है, वो चीज़ कहलाती है संसाधन। कि हमारे आसपास में है और हमारे हमसे जुड़ी भी है, हमारी जरूरत को पूरा कर रही है, वो चीज़ हमारे कहलाती है संसाधन कहलाती है। तो जरूरतों को पूरा करने वाली हर कोई भी चीज़ है जो हमसे जुड़ी हुई है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो चीज़ हमारे क्या बनती है, संसाधन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न दो की। प्रश्न दो में आपसे कहा जाता है लिंग अनुपात से क्या आशय है। तो मतलब क्या आपको बताना है यहाँ पे, लिंग अनुपात है क्या। सवाल कैसे भी आपको बन सकता है, लिंग अनुपात का क्या आशय है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं, लिंग अनुपात क्या होता है, सवाल कैसे भी बन सकता है, लेकिन जरूरत है यहाँ पर आपको सवाल को समझ के उसका आंसर लिखने की। तो लिंग अनुपात है क्या, तो चलिए सबसे पहले यहाँ जो लिखा है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। मानव संसाधन के रूप में किसी भी देश की जनसंख्या का लिंग संरचना एक महत्वपूर्ण गुणात्मक सूचक है। वास्तव में यह एक मुख्य रूप से लिंग अनुपात के आधार पर समझा जाता है। लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा समानता स्थिति मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। लिंग अनुपात अनुकूल होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में लिंग अनुपात हमेशा महिलाओं के लिए प्रतिकूल बनी हुई है और एक चिंता की बात यह है कि यह गिरावट लगातार बनी हुई है। तो अगर यहाँ पर देखें इसका मतलब हमारा देखा जाए, मतलब क्या बनता है लिंग अनुपात का, मतलब क्या बनता है, किसी जगह पर किसी भी राज्य में किसी जगह पर अगर 1,000 पुरुष है तो उस 1,000 पुरुष के मुकाबले कितनी वहाँ महिलाएं बनती है, वो हमारा बनता है लिंग अनुपात। जैसे हमारा देखा जाए राजस्थान है, हरियाणा है, या अपना देखा जाए और भी कुछ हमारे राज्य बनते हैं, अगर वहाँ देखा जाए अगर 1,000 पुरुष है तो क्या वहाँ पर 1,000 महिला है, नहीं है, थोड़ी बहुत कम है। अगर वहाँ पर 1,000 पुरुष है तो हो सकता है 970 महिला है या 930, 940, 960 ऐसे बनती है हमारे यहाँ पर महिलाएं। मतलब क्या है कि महिला जो पुरुषों के मुकाबले संख्या में क्या है, कम है। तो ये हमारा बनता है लिंग अनुपात। जबकि हमारे देखा है कुछ ऐसे भी हमारे राज्य बनते हैं जहाँ देखा जाए चलते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर है या उनसे ज़्यादा है, तो वो भी हमारे क्या बनता है, एक लिंग अनुपात बनता है। और लिंग अनुपात कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए अनुकूल, कि जितने पुरुष है उतनी महिलाएं होनी चाहिए, वो हमारा बनता है अपना एक जो अनुकूल लिंग अनुपात बनता है। लेकिन भारत में हमारे देखा है ऐसा नहीं पाया जाता। हमारे भारत में जो लिंग अनुपात है वो ज़्यादातर जो कहते क्या है महिलाओं के लिए क्या है, प्रतिकूल रहा है। तो यहाँ पे देखा जबकि होना क्या चाहिए कि पूरे भारत में जितनी अगर पुरुष है तो उतनी ही कहते क्या होनी चाहिए, महिलाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम तीन की। पश्चिम तीन में ऐसा कहा जाता है जन्मदर किसे कहते हैं। तो जन्मदर हमारा कहते क्या होता है, एक निश्चित भूभाग पर किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1,000 जनसंख्या की तुलना में बच्चों की संख्या शुद्ध जन्मदर कहलाती है, इसे जन्मदर कहते हैं। सिंपल सा अगर देखा जाए किसी भी जगह पर जो है वहाँ पे बच्चे जन्म लेते हैं, तो जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो पिछले वर्ष के मुकाबले कितने बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वो हमारा जो कहते हैं कि फ़र्क है वो हमारा कहलाता है जन्मदर। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ऐसे हमारा देखा जाए क्या बनता है, मृत्यु दर बनता है। तो चलिए अगला मैं आपको मृत्यु दर बताता हूँ। अब बात करते हैं प्रश्न चार की। प्रश्न चार में ऐसा कहा जाता है मृत्यु दर से आपके समझते हैं कि मृत्यु दर हमारे कहते क्या बनती है। तो मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर से आप समझते हैं सवाल कैसे भी बन सकता है। एक विशेष क्षेत्र में तहत दिए गए वर्ष के प्रति
हजार जनसंख्या में होने वाली मृत्यु की संख्या शुद्ध मृत्यु दर कहलाती है। सामान्य तौर पर इससे मृत्यु दर भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखा है, एक दिए गए समय में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितना फर्क पड़ा है, वो हमारे क्या होता है, क्या बनता है, मृत्यु दर। और हमारे देश में देखा है मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर का क्या है, घट रही है, और जन्म दर क्या है, बढ़ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न पाँच की। प्रश्न पाँच में से कहा जाता है, जनगणना किसे कहा जाता है? कि जनगणना के हमारे यहाँ क्या होती है, बहुत सारे मुश्किल नहीं है, लोगों की गिनती करना, लोगों को काउंट करना कि हमारे भारत में कितने लोग रहते हैं, इसको काउंट करना हमारे कहते क्या होता है, जनगणना। लेकिन कैसे? जनसंख्या एक निश्चित समय पर देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या है। हमारी जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिक पहलुओं के बारे में आंकड़े प्रत्येक दशक की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, इस जनगणना कहते हैं। मतलब इसमें देखा जाए, हर 10 साल में जो है भारत की जो जनसंख्या है उसे काउंट किया जाता है कि हमारी जनसंख्या पिछले 10 सालों पहले के मुकाबले कितनी बड़ी है। तो ये हमारा बनता है जनगणना, कि जनगणना हमारे यहाँ पर हर 10 वर्ष के बाद में की जाती है, हर 10 वर्ष में की जाती है हमारे यहाँ पर जनगणना। तो ये हमारा देखा जाए, जो हमारे इससे देखा जाए कहते क्या होता है, दशक की शुरुआत में मोस्टली कहते कि किया जाता है हमारे यहाँ पर जनगणना की शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न छः की। प्रश्न छः से कहा जाता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण सुझाइए। कि भारत में कहते क्या काफ़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। इस जनसंख्या के बढ़ने के पीछे देखा जाए एक नहीं बल्कि कई कारण है। तो वो कारण क्या क्या बनते हैं जिस वजह से हमारे देखा भारत में जनसंख्या जो देखा जाए बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले हमारे बनती है यहाँ पर उच्च जन्म दर, कि हमारे यहाँ पर देखा जाए बर्थ रेट है बहुत ज़्यादा हाई है। इसके साथ ही देखा जाए कहते हैं घटती हुई मृत्यु दर, कि यहाँ पर हमारा देखा जाए कहते क्या है कि मृत्यु दर कहते क्या है, कम है। पहले क्या होता था कहते कि छोटी सी बड़ी बीमारी भी होती थी तो लोग जो देखा जाए छोटी सी बीमारी से भी देखा जाए कहते क्या है उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब देखा जाए कहते हैं कि कई सारी बीमारियों का हमारा इलाज हो चुका है, इलाज मिल चुका है, जिससे देखा जाए मृत्यु दर हमारे कहते क्या हुई है, कम हुई है। और इसके अलावा देखा जाए हमारा पे अवैध प्रवास, कि अवैध प्रवास का मतलब पे देखा जाए हमारा पर देखा भारत जैसे देश में क्या होता है कि कहते हैं कि जो है अपना भारत में जनसंख्या तो बढ़ी रही है लेकिन दूसरे देशों से भी देखा जाए आके हमारे देश में बस जाते हैं, जिस वजह से देखा जाए कहते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ रही है। हमारा देखा जाए कहते हैं कई देश है जहाँ से कहते हैं कि लोग आते हैं भारत में यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, भारत के नागरिक बन जाते हैं और हमारे भारत में जनसंख्या बढ़ती है। इसके अलावा देखा जाए कहते हैं कि हमारा बनता है विवाह और संतानोत्पत्ति की भावना। तो ये हमारा देखा जाए क्या है कि हमारे कम उम्र में देखा जाए शादी कर दी जाती है, कि छोटी सी उम्र में देखा जाए शादी कर दी जाती है। तो जिस वजह से देखा जाए जो कहते बच्चे होते हैं वो अपना जल्दी हो जाते हैं और कहते फिर उनकी भी देखा जाए कम उम्र में शादी हो जाती है तो फिर और बच्चे हो जाते हैं। तो जिस वजह से देखा जाए जनसंख्या क्या होती है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती रहती है, जबकि हमारे देखा जाए होना क्या चाहिए, होना भी क्या चाहिए कि हमारे शादी की जो उम्र है लड़कियों की स्पेशली होनी चाहिए 21 साल से या 21 साल से ज़्यादा। तो लड़कियों की शादी जो देखा जाए 18 साल है, लेकिन 18 से ना होके उसे जो देखा जाए गलत होना चाहिए 21 या 21 से ज़्यादा का होना चाहिए, जिससे देखा जाए गलत क्या है कि यहाँ पर जो जनसंख्या देखा जाए थोड़ी बहुत हमारे कंट्रोल में आएगी। कम उम्र में शादी करने से गलत क्या होता है कि यहाँ पर देखा जाए बच्चे जल्दी हो जाते हैं और फिर उनकी भी देखा बच्चों की शादी जल्दी होने पर गलत क्या होता है और जल्दी हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन हिसाब से बढ़ती रहती है। तो विवाह की आयु को अगर बढ़ा दी जाए तो उसे भी देखा जाए गलत कि अपना देखा जाए जनसंख्या कुछ नियंत्रण में लाई जा सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर अशिक्षा भी अज्ञानता, कि यहाँ पर हमारे देखा जाए लोगों में देखा अभी भी देखा है बहुत सही कहते हैं अशिक्षा है, लोग कहते हैं कि अभी भी इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि अभी कहते हैं बड़ा परिवार में देखा जाए, मतलब बड़ा परिवार होगा तो उससे कहते हैं क्या कुछ तकलीफ हो सकती है, कुछ दिक्कत परेशानी वगैरह हो सकती है। और लेकिन अगर छोटा परिवार है, माता पिता है, उनका छोटा परिवार है, अपना कुछ कमा रहे हैं और परिवार देखा जाए 2 बच्चे हैं तो वो उन 2 बच्चों का देखा जाए अच्छी देख रेख कर सकते हैं, उनकी परवरिश अच्छे दे सकते हैं, उनके ऊपर शिक्षा है अच्छी उनको शिक्षा दे सकते हैं, उनके ऊपर जो निगरानी है अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए कहते हैं परिवार में देखा जाए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर महिला ज़्यादा शिक्षित होती है तो इस बात को समझती है कि परिवार में देखा जाए कभी बच्चे होने चाहिए, क्योंकि कम बच्चे होंगे तो परिवार में बच्चों की देख रेख भी अच्छी होती है, उनकी देखरेख अच्छी होती है, उनका अच्छे संस्कार मिलते हैं और जनसंख्या भी भारत में कंट्रोल रहेगी। इसके साथ ही देखा जाए हमारे देखा जाए कुछ बनते अंधविश्वास भी बनते हैं, कुछ हमारे अंधविश्वास भी बनते हैं, हमारे देखा बच्चों को लेकर बनते हैं अंधविश्वास बनते हैं, जिस वजह से देखा जाए हमारे पास जनसंख्या काफ़ी से बढ़ रही है। तो लोगों को देखा जाए अपने अंधविश्वासों को छोड़ना चाहिए और भारत में जैसे जो जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है तो उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि ज़्यादा बच्चे होना सही बात नहीं है। इसके साथ देखा जाए लड़की की चाह में लड़कियां पैदा करना, ये भी हमारी एक बड़ी समस्या है कि यहाँ देखा जाए बहुत से जो परिवार है चाहे पढ़े लिखे लोग क्यों ना हो लेकिन उनके अंदर भी देखा जाए गलत क्या है, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों में भी गलत क्या है भावना ये होती है कि जो है कहते हैं कि यह लड़का चाहिए, और लड़की की चाह में देखा जाए क्या है बच्चे करते रहते हैं और गलत क्या होता है जनसंख्या बढ़ती रहती है।
तो यहाँ देखा जाए करते हैं कि जरूरत है यहाँ पे लोगों को समझने की कि लड़का हो या लड़की हो तो इससे जो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखा जाए करते हैं कि अपना देखा जाए जनसंख्या कंट्रोल में होनी चाहिए, दो बच्चे वही अच्छे, ये बात समझनी चाहिए, लड़के हो या लड़की हो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पशु सात की। पशु सात में ऐसा कहा जाता है भारत जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उपाय सुझाई है। तो यहाँ देखा जाए हमारा पर हमें कुछ ऐसे सजेशन देने हैं जिससे हम अपना देखा भारत में देखा जाए जनसंख्या को रोक सके, मतलब कैसे जनसंख्या रोक सके, बढ़ती हुई जनसंख्या थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। हमें कुछ ऐसे हमें उपाय बताने हैं कि हम बढ़ती जनसंख्या को थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर सके, कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले तो हमारे सबसे पहले बनता है कि यहाँ पे शिक्षा का प्रसार करना, कि अगर लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, स्पेशली देखा जाए करता है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाता है तो वो इस बात को अच्छे से समझती है कि यहाँ पर देखा जाए ज़्यादा बच्चे होना सही बात नहीं है, सही बात नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए शिक्षा जन्म दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, ये लोगों को दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है। और यदि परिवार में स्त्री शिक्षा का स्तर ऊँचा है तो परिवार में बच्चों की संख्या भी क्या होती है, कम होती है, और उनकी परवरिश वगैरह उनकी अच्छी होती है, क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है। इसके साथ देखा जाए हमारा पर गर्भ नियंत्रण के उपायों को पर जोर देना, तो यहाँ पर गर्भ नियंत्रण के उपायों को अपनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर देखा है भारत में लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए। प्रचार, लोगों को समझाया जाए कि यहाँ पे अधिक बच्चों के कारण जीवन में स्तर में गिरावट आती है, क्वालिटी की होती जाती है, उनको जो गलते कपड़े मिलते हैं, खाना मिलता है, शिक्षा मिलती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है गिर जाती है। लेकिन अगर परिवार में देखा जाए एक या दो बच्चे हैं तो क्वालिटी के लिए क्या रहती है काफ़ी अच्छी रहती है, शिक्षा की क्वालिटी अच्छी रहती है, खाने पीने की क्वालिटी अच्छी रहती है, पहनावे की अपना हर तरह की जो कहते हैं क्वालिटी के लिए क्या रहती है अच्छी होती है। लेकिन ज़्यादा बच्चे हो जाने पर क्वालिटी क्या होती है गिर जाती है, तो थोड़ा बहुत ये समझना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर आठ के। प्रश्न नंबर आठ में ऐसा कहा जाता है महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट बताना है आपको, वुमेन एम्पावरमेंट है क्या हमारा पर। तो महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय हमारा क्या बनता है, महिलाओं का सर्वांगीण यानी कि हर तरह से विकास, भारतीय संविधान महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की स्थिति समाज कोई विशेष सराहनीय नहीं की जा सकती। महिला सशक्तिकरण को तब प्रोत्साहन मिला जब 73वें और 74वें संसद पर कर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी संस्थाओं स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों में 83% आरक्षण संसद द्वारा पारित किया गया। तो महिला सशक्तिकरण के क्या बनता है कि हर तरह से हर फील्ड में महिलाओं को जो है अपना बढ़ावा देना चाहिए, इनके लिए कहते क्या होना चाहिए रिजर्वेशन होना चाहिए ये बताया गया यहाँ पर, ताकि कहते हैं महिलाएं पुरुषों से अपना आगे निकल सके। आगे निकलने मतलब क्या है कि महिलाओं के कहते हैं कि अंदर कहते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि वो जो अपना देखा है पुरुषों के बराबर या पुरुषों से अच्छा कहते हैं अपना काम कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखा जाए अभी तक मैं आपको जो काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ चैप्टर से, अब आपको करना है क्या है इन सब क्वेश्चंस को आपको दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही देखा जाए आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं तो ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल के शर्मा टेक्निकल सेंटर यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में आपको आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, आप वहाँ से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और इनको देखा जाए आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी अपने अच्छे से तैयारी कर सके। आप इन वीडियो की एक नहीं बल्कि कई बार अपना वीडियो देख देख के आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो एक बार देखने से नहीं होती है, बल्कि होता है क्या है कि पढ़ाई मांगती है प्रैक्टिस, कि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी पढ़ाई उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ देखा जाए आपको करना क्या है, इनको बार बार अपने देखना है, प्रैक्टिस करना है, सेल्फ टेस्ट लेना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपके लिए देखा है बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।